देखो कल की क्लास में रियल एनालिसिस अपन पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था कि भाई दो सेट दिए थे मैंने, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो एक सेट दिया था मैंने जेड, और एक सेट मतलब जेड कौन सा इंटीजर का सेट है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया। तो आपका इंटीजर का सेट है, दूसरा क्या दिया था मैंने, नेचुरल नंबर दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों में से किसमें एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो आपका जो प्रॉपर सबसेट का कौन से, तो आपको पता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर की जो सेट टेबुलर फॉर्म है वो 1 2 3 4, और जेड है इंटीजर की वो है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होगी। तो ऑब्वियस है आपको दिख रहा है, और वैसे चलो ठीक है आपके लिए मैं ये लिख दूं, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड। दोनों इक्वल नहीं है, ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, साथ साथ में पूरे एवरी नेचुरल नंबर इज अ जेड। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन था कि कार्डिनलिटी किसकी ज्यादा है, नेचुरल नंबर की या जेड की, और आपका आंसर है जेड, ठीक है। तो देखो नहीं, एक्चुअली दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर है, ठीक है। अब कैसे ये मैं बताता हूँ, यदि आपको पता हो तो आप मैपिंग पढ़ते हो, मैपिंग क्लास 12th में आप पढ़ के आते हो, फिर थोड़ा बहुत बीएससी में भी यदि आपको आइडिया होगा। मैपिंग के टाइप होते हैं, 1-1 ऑन 2 मैपिंग, और 1-1 होता है, मैनी वन होता है, इन टू होता है, ऑन टू होता है, एक एक की बहु एक एक की अंतर छेपी अच्छा तक, ठीक है। दो सेट के बीच में 1-1 ऑन 2 मैपिंग हो जाए, ठीक है, मतलब एक एक की अच्छा तक हो जाए, मतलब दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, क्योंकि एक एक का क्या मतलब है, एक एक से मैप करेगा और अच्छा तक मतलब यहाँ कोई खाली नहीं है, तो मतलब दोनों में क्या होंगे, बराबर एलिमेंट होंगे। तो मैं यदि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपके बीएससी के आगे का है, एमएससी वगैरह में पढ़ते हो, तो सिमिलर सेट्स आते हैं। दो सेट सिमिलर कब होते हैं, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जेड और एन है वो दोनों सिमिलर है, मतलब जितने एलिमेंट एन में है उतने ही जेड में है। अब एलिमेंट बराबर हो तो इनके बीच में क्या होनी चाहिए, 1-1 ऑन 2 मैपिंग होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपन मैपिंग करते हैं, यदि सपोज एफ ले लिया फंक्शन, और मैं यहां मैपिंग कर रहा हूं जेड से नेचुरल नंबर में, ठीक है, जेड से नेचुरल नंबर। तो जेड है मतलब यहां क्या लिख दिया मैंने, 0 -1 -2 -3 ऐसे, और यहां 1 2 और ये 3 हो गया ये ऐसे, और नेचुरल नंबर का मैंने लेट कर लिया, लेट्स से इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलो। तो यदि मैं दोनों में 1-1 ऑन 2 मैपिंग बता दूंगा, मैं ऐसा फंक्शन बता दूंगा जिससे यहाँ मैपिंग क्या हो जाए, 1-1 ऑन 2 हो जाए, तो मतलब जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें है, दोनों में एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ एफ जेड से ऐसे हैं, यहां मैंने लिखा n, मैपिंग इस हिसाब से यहां लिख देता हूं, यहां f n है, n का मतलब यहां रखेंगे, जो पुट होता है ना वो यहां रखेंगे, और यहां से दो मैंने फंक्शन लिए, एक ले लिया मैंने यहां 2n, जब n क्या हो, 0 से बड़ा, n कौन सा रखने वाले है, तो मतलब n क्या होगा आपका, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने बनाया है कि -2n + 1 हो गया जब n 0 और 0 से छोटा, मैंने ऐसे मैपिंग करा दी दोनों के बीच में, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर के लिए कैसे डिनोट होगा, 2n, मतलब 1 है वो कहां पे मैप होगा, यहां 1 रखा, देखा 1 0 से बड़ा, तो ये फंक्शन काम आएगा इसके लिए, तो 1 कहां पे मैप हो जाएगा, 2 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस 2 लिया, कहां पे मैप हो जाएगा, 4 पे मैप हो जाएगा, तो 3 लिया, कहां पे मैप हो जाएगा, 6 पे मैप हो जाएगा, 4 होता आगे तो किस पे मैप होता, 8 पे, 5 होता तो 10 पे, तो सारे जो इवन नंबर है उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। अब बात करते हैं किसकी, जीरो की। जीरो है मतलब जीरो और नेगेटिव के लिए ये फंक्शन होगा, जीरो रखा यहाँ पे क्या हो गया, 1 पे मैप हो गया, 0 कहाँ मैप हो गया, 1 पे मैप हो गया, और वापस जीरो के बाद क्या लिया बताओ, -1 लिया कहाँ पे मैप हो रहा है, ये देखो ये 3 पे मैप हो रहा है, -2 लिया कहाँ पे मैप हो रहा है, 5 पे मैप हो रहा है, -3 लिया कहाँ पे, 7 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब इधर के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ क्या मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, और एक के इमेज एक ही है, तो मतलब दोनों के बीच में क्या है, 1-1 ऑन 2 मैपिंग है,
समझ गए ना, तो वन वन ऑन टू मैपिंग है मतलब क्या हो गया, दोनों में बराबर एलिमेंट है मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी और एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट है। वैसे कंफ्यूज मत होना मेरा थोड़ा सा, तुम्हें ये तुम्हारा जो सोचने का प्रोसेस है वो थोड़ा ब्रॉडन हो इसलिए मैंने बताया था। समझ गए ना, एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एलिमेंट कम है, ठीक है। वैसे आपको बीएससी लेवल तक की चीजें कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई पूछने वाला है ना कोई क्वेश्चन आएगा, अलग से मैंने आपको बता दिया एक्जेक्टली। अब सिमिलर सेट क्या होता है, दो सेट के बीच में वन वन ऑन टू करेस्पॉन्डेंस हो, बस इसका प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है कि भाई इसमें नेगेटिव है इसमें, प्रॉपर्टीज एक अलग चीज हो गई, बस एक सेट के लिए एक मिले एलिमेंट इधर भी एक, और या फिर क्या होता है दोनों में एलिमेंट इक्वल हो जाए उन सेट को क्या बोलते हैं, सिमिलर सेट बोलते हैं। Is that clear? अब देखो यहाँ पे जैसे ट्वेल्थ वगैरह में भी देखते हो ना, तो इस चीजों से काफी ज्यादा जैसे होता है कि भाई चलो छोड़ो यार फिर ये और इसमें डीप चले जाएंगे अपन, ठीक है। बीएससी का आपका इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे अब आगे ये हटा अलग लिखा ना, मतलब जो क्वेश्चन है उसको अलग लिखना है, ये बीएससी में और इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रियल का, तो ऐसे देखे तो ये रियल का फर्स्ट लेक्चर है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी थी। क्यों, अच्छा फोटो ले लिया आपने? नहीं, रियल एनालिसिस रियल, तो देखो रियल एनालिसिस का आज प्रॉपर है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बाउंडेड क्या होता है, जिसको परिबद्धता बोलते हैं, अपर बाउंडेड होता है, ऊपरी परिबद्ध, लोअर बाउंडेड होता है, निम्न परिबद्ध होता है, उसमें एक सुप्रीमम होता है, इंफिमम होता है, उच्चक निम्नक जिसको इंफिमम बोलते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट, बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट, समुच्चय की परिबद्धता, कब समुच्चय इसके बारे में, तो लेट आर ले लिया, ये क्या है, सारे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे रियल नंबर हैं, बी अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है, वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भाई, R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एंड और यहां पे S लिया है वो क्या है, R का सबसेट है, ठीक है, R का कोई सबसेट S। अब यहां अपन S की बात करेंगे अलग अलग पॉइंट बना के, पहला पॉइंट S इज बाउंडेड अवे, हिंदी में इसको बोलते हैं एस ऊपरी परिबद्ध होगा। अब यहां इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एस इज बाउंडेड अवे इफ For all, इसका मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी, वहां सिंबल लिखाया था, सिंबल में आपको बताया था इसका मतलब होता है फॉर ऑल। यदि नहीं लिखा तो सिंबल में देखो, यदि आपको कुछ नए सिंबल मिले तो फर्स्ट आप इंडेक्स बनाओ ना, उसमें नीचे थोड़ी जगह रखना, यदि कोई छूट जाता है तो वहां लिखते रहना। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, एस इज बाउंडेड अबो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब इसका क्या मतलब है, एस के हर एक एलिमेंट, फॉर ऑल का मतलब भाई एक्स, S का कोई भी एलिमेंट यहां X की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर K एग्जिस्ट कर रहा है S में, सच दैट X इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए K। इसका मतलब क्या हो गया, यहां मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, हर एक S के एलिमेंट के लिए आपको ऐसा K मिलना चाहिए जो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर, सच दैट बोल सकते हैं S के एक सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, K से छोटे हो। तो इसको हिंदी में लिख देंगे, S के सभी सदस्य, S के
सभी सदस्य के से, एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, के से छोटे हूँ, छोटे। अब इसका मतलब क्या है, तो यहां चलो, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबोव एंड के इज इट्स अपर बाउंड। तो उस केस में यदि अपन ने एक सेट लिया है, ठीक है, एस लिया है, उस सेट के सारे एलिमेंट एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटे हो जाए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने एक सेट, फाइनाइट सेट लिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो 7 लिया, ऐसा आपको कोई भी एलिमेंट मिलना चाहिए, तो 7 से सारे एलिमेंट छोटे हो गए, 10 से छोटे हो गए, 20 से छोटे हो गए, 5 से भी, लेस देन इक्वल टू, सारे छोटे ही हैं। तो ऐसा आपको कोई एलिमेंट मिल जाए जिससे आप बोल सकते हो कि सेट के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटे हो जाए। तो ऐसा रियल नंबर मिल रहा है तो क्या बोलते हैं, सेट क्या है, बाउंडेड अबो है, और जो अपर बाउंड। तो यहां पे तो एस को ऊपरी परिबद्ध कहेंगे, ऊपरी परिबद्ध होगा तथा के है, के इसका ऊपरी परिबद्ध, मतलब अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा। और यहां पे इफ वी कैन नॉट फाइंड सच के, ऐसा आप एलिमेंट ढूंढ ही नहीं पाओ जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हो। जैसे नेचुरल नंबर ले लिया, 1 2 3 4 5, पूरे इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हो क्या जिससे नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट छोटे हो, नहीं ढूंढ पा रहे। तो इफ वी कैन नॉट फाइंड सच के, मतलब ऐसा के कोई रियल नंबर आप ढूंढ ही नहीं पाओ, देन एस इज नॉट बाउंडेड। तो उस केस में एस क्या नहीं होगा, बाउंडेड अबो नहीं होगा, यदि हम एस से के को ज्ञात नहीं कर पाए तो एस क्या होगा बताओ, तो एस ऊपरी परिबद्ध नहीं होगा। अब देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझना, यदि मैंने एक सेट ले लिया, यहाँ पे ए ये ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 6, फाइनाइट ही लेते हैं, 5 6 ले लिया। इस सेट के आप ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हो क्या जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हो, ठीक है। एक्स, अब मैं यहाँ वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ है कि भाई ये देखो, पहले तो ये आर का सबसेट है, बिल्कुल रियल नंबर है सारे, तो ये एस है जो आर का सबसेट है। तो S is bounded above, ये कब होगा, for all X belongs to S, तो यहाँ X की जगह क्या लिख सकते हो, ये सारे एलिमेंट लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 सारे। यदि आप ऐसा कोई भी रियल नंबर ढूंढ पाओ जिसके लिए ये बात सही हो कि S के सभी सदस्य क्या होने चाहिए, X से छोटे होने चाहिए, तो ढूंढ पा रहे हो बिल्कुल, 7 ले लिया, ठीक है, 8 ले लिया, 8 से सारे एलिमेंट क्या है, छोटे है ना। अब देखो, यहाँ पे समझ में आया ना, तो आप ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, तो देखो 7 बोल दो, 7 से सारे एलिमेंट है, 8 बोल दो, 7.5 बोल दो, कोई भी रियल नंबर चलेगा, 7.1 बोल दो, 6 बोल दो, और 6.1 बोल दो, पर 5.9 बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, क्यों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जैसे आप 5.9 लोगे ना यहाँ पे, हाँ समझ गए ना, तो 6 उससे बड़ा हो जाएगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब क्या हो गया, 6 और 6 से बड़े सारे एलिमेंट है क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात लिखा ना, इसको इरेज कर दो, या चलो मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, x ये सारे हो सकते हैं, x की ये सारे पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे तो अब आपको क्या ढूंढना है, ऐसा k ढूंढना है, तो k क्या चलेगा, 6 होगा चलेगा,
6.1 होगा चलेगा, पर जैसे आप 5.9 लोगे ना तो x इनमें से कुछ हो सकता है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ क्या 5.9, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ k की एलिमेंट क्या हो जाएंगे सारे 6 और 6 से बड़े सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं एक चीज लिखाना चाहता हूँ, पहले मैं बोल देता हूँ, इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव होगा मतलब एक एलिमेंट मिल रहा है जिससे उसके सारे एलिमेंट क्या बढ़े, तो इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव एवरी एलिमेंट ग्रेटर देन अपर बाउंड इज ऑल्सो इट्स अपर बाउंड, एक अपर बाउंड मिल गया तो उससे बड़ा ऑब्वियस अपर बाउंड है, तो इसका मतलब सेट हैज इनफाइनाइट अपर बाउंड, कितने हो गए इनफाइनाइट अपर बाउंड हो गए। लीस्ट ऑफ ऑल दिस अपर बाउंड इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, या फिर उसको क्या बोलते हैं सुप्रीमम बोलते हैं, इन सब अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। अब हिंदी में यदि कोई सेट ऊपरी परिबद्ध है, तो ऊपरी परिबद्ध है मतलब एक एलिमेंट मिल रहा है जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो गए छोटे हो गए, तो उस ऊपरी परिबद्ध से बड़ा हर एक एलिमेंट क्या होगा इसका ऊपरी परिबद्ध होगा, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं सेट में कितने ऊपरी परिबद्ध है, अनंत ऊपरी परिबद्ध है, और इन सब ऊपरी परिबद्ध में सबसे जो छोटा ऊपरी परिबद्ध होगा वो क्या होगा सुप्रीमम होगा, जिसको हिंदी में उच्चक बोलते हैं। तो ये बस ये लैंग्वेज लिखवानी, ये साइड में लिख देना एग्जाम्पल, अभी थ्योरी कंप्लीट होने तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको काफी। तो यहाँ पे इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव मतलब क्या हो जाएगा एक एलिमेंट मिल जाएगा, इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव एवरी एलिमेंट ग्रेटर देन इट्स अपर बाउंड is also अपर बाउंड, ठीक है। बाय दिस वी कैन से दैट अ सेट हैज इनफाइनाइट अपर बाउंड हुए या नहीं हुए, इनफाइनाइट अपर बाउंड्स, least of all these upper bounds is called LUB, L.U.B, मतलब क्या हो गया least upper bound और supremum, जिसको हमेशा SUP ही कहते हैं। हिंदी में यहाँ जगह की कमी है तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख देना, यदि कोई सेट है वो ऊपरी परिबद्ध होगा, यदि कोई सेट ऊपरी परिबद्ध होगा तो उस ऊपरी परिबद्ध से बड़ा हर एक एलिमेंट क्या होगा, हर एक अवयव क्या होगा ऊपरी परिबद्ध होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जो समुच्चय है उसमें क्या इसमें कितने होंगे अनंत ऊपरी परिबद्ध होंगे, इन सभी ऊपरी परिबद्धों में जो सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध होता है वो क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड, या फिर क्या सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध, या उसको क्या बोल देते हैं उच्चक बोल देते हैं। अब यहां से इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ दो पॉइंट नीचे मैं लिख देता हूँ, जगह की कमी है, मैं क्या चाहता हूँ वो यहाँ लिख देता हूँ, इसी में मैं लोअर बाउंड करवाना चाहता हूँ सेम में छोटे मोटे करेक्शन करके, इसीलिए मैं चाहता हूँ सारा काम यही मैनेज हो। तो पहला पॉइंट जो सुप्रीमम, एक आपका सेट का सुप्रीमम है, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एस की बात कर रहे हैं, एस मे नॉट belongs to S, but it belongs to R. जो आपका सुप्रीमम होगा वो जरूरी नहीं है उस सेट में बिलोंग करे, ठीक है। जैसे अपने S सेट लिया है ना, तो जरूरी नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल ले लूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां आप ध्यान रखना, जो सुप्रीमम होता है वो रियल नंबर जरूर होगा, पर वो S का सदस्य है या नहीं है ये जरूरी नहीं। दूसरा, एनी एलिमेंट लेस देन सुप्रीमम, यदि आप एस की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब एनी एलिमेंट लेस देन सुप्रीमम कैन नॉट बी इट्स अपर बाउंड, अपर बाउंड। तो सुप्रीमम से छोटा क्या नहीं हो सकता, अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, इसको हिंदी में लिख देना। पहला पॉइंट, जो सुप्रीमम होता है वो क्या एस का सदस्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वास्तविक संख्या जरूर होगा,
दूसरा पॉइंट, यदि आप उच्चक से छोटा कोई भी एलिमेंट होगा वो ऊपरी परिबद्ध नहीं हो सकता, अपर बाउंड नहीं हो सकता, इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे या फिर अरे यार बाउंडेडनेस को इरेज कर सकते हैं, यहाँ से मुझे करवाना था, मैंने गड़बड़ी करा, इनको वापिस नहीं होगी, मैं अच्छे से लिख दूंगी इनको, क्योंकि मुझे लोअर बाउंड फिर इसमें पूरा करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट जो आपका सुप्रीमम किसकी बात कर रहे हैं, एस, इसका मतलब बिलोंग्स टू आर, मतलब जो होगा एस का जो सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है, वो क्या होगा, एस का सदस्य आर का सदस्य होगा, बट इट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू, मे नॉट नॉट belongs to S. दूसरा, any element less than, किससे छोटा बताओ, supremum से छोटा, cannot be upper bound. हिंदी में हो गया उच्चक से छोटा, उच्चक से छोटा अव्यव ऊपरी परिबद्ध नहीं हो सकता, अव्यव ऊपरी परिबद्ध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो अब देखो यहां अब वापस कर देते किसके, बाउंडेड अबो है इसमें करेक्शन कर देते सेम, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट है, करेक्शन करना इसीलिए है आपको दोनों में फर्क पता चल जाए, ऊपरी की जगह क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, निम्न परिबद्ध हो। तो देखो ऊपरी परिबद्ध का क्या मतलब हो गया, एस बाउंडेड अबो होता यहां बिलो हो जाएगा, यहां सभी अवयव के से बड़े हो, यहां समझ लिया के डैश ले लिया और यहां बोल दिया उल्टा कर दिया साइन, मतलब क्या हो गया, अब देखो इसको समझते हैं, ऊपरी परिबद्ध का मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे उस सेट के क्या हो, सारे एलिमेंट बड़े हो, निम्न परिबद्ध में क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो में हमें एक ऐसा एलिमेंट रियल नंबर ढूंढना है जिससे बोल सके कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस रियल नंबर से क्या हो, बड़े हो, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो आप बोल सकते हो 1 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, -1 से बड़े, समझ गए ना, जस्ट इसका उल्टा है, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड बिलो, बाउंडेड का मतलब बंद, इसको ऐसे आप समझो ना, बंद नीचे से बंद है, इससे सारे एलिमेंट बड़े हैं, मतलब यहाँ रुक रहा है, अब बाउंडेड अबो मतलब ऊपर से बंद, समझ गए, बाउंडेड मतलब दोनों साइड ऐसे एलिमेंट मिल रहा है, तो देखो देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबो हो जाएगा, यहाँ पे अबो की जगह क्या हो जाएगा, बिलो, और एंड के डैश इज इट्स अपर बाउंड की जगह क्या होगा, वेरी गुड, लोअर बाउंड होगा, तो यहां हो जाएगा एस को ऊपरी परिबद्ध होगा, एस ऊपरी की जगह क्या होगा, निम्न परिबद्ध होगा, एस निम्न परिबद्ध होगा तथा इसका के इसका निम्न परिबद्ध कहलाएगा, लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड हो जाएगा के। If we cannot find such k, यहाँ पे real number है ये r है और k की जगह आप हम k dash ले रहे हैं, ऐसा k dash ले ही नहीं पाए, जैसे बात करी integer की, integer कितने जा रहे हैं, -1 -2 -3, तो ऐसा element बता पा रहे हैं क्या जिसे सारे integers बड़े हो, नहीं बता पा रहे, तो यदि ऐसा k नहीं मिलेगा then k is not bounded above की जगह आपका हो जाएगा क्या, नहीं है bounded below, नहीं है, is that clear? और बाउंडेड बिलो नहीं है, यदि हम ऐसे के को ज्ञात नहीं कर पाए तो एस यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न परिबद्ध नहीं है, ऊपरी की जगह क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अब देखो इफ ए सेट इज बाउंडेड अबो की जगह, हाँ यहाँ पे क्या होगा, बिलो हो जाएगा। देखो एक बात समझना, वही एग्जांपल ले लेते हैं, अपन ने बोल दिया कि जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, उसके लिए अपन बता सकते हैं वन से सारे एलिमेंट बड़े या बराबर है, एक बराबर है बाकी सारे बड़े, या जीरो ले लिया या वन ले लिया, ठीक है, तो वन से छोटा कोई भी एलिमेंट लूंगा उसके लिए सेम ही बात एप्लीकेबल होगी, तो वन से बड़े हैं नेचुरल नंबर सारे, तो जीरो से भी सारे बड़े हैं, -1 से भी बड़े हैं,
माइनस 1.5 से भी बढ़े तो ऐसे कितने इनफाइनाइट मैंने रियल नंबर निकाल सकते हो। एक मिल गया तो उससे छोटे सारे एलिमेंट लोग उनके लिए सेम बात अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ इफ अ सेट इज बाउंडेड बिलो देन एवरी एलिमेंट यहाँ हो जाएगा लेस देन इट्स लोअर बाउंड। लोअर बाउंड से क्या एवरी एलिमेंट लेस देन इट्स लोअर बाउंड less than its lower bound is also a lower bound. उससे छोटा element होगा वो भी क्या हो जाएगा lower bound हो जाएगा, मतलब निम्न परिपथ हो जाएगा। By this way या thus we can say that by this way नहीं लिखा यहाँ पे, तो thus लिखो मतलब इस प्रकार इसको हम नहीं बोलते। Thus we can say that a set has infinite lower bound, मतलब lower bound कितने होंगे infinite हो जाएंगे, infinite lower bounds। और लीस्ट की जगह इस बार क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दीज लोअर बाउंड्स इज कॉल्ड, यहां आपका हो जाएगा लोअर बाउंड इज कॉल्ड जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी, और सुप्रीमम की जगह क्या हो जाएगा इन्फिमम हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं निम्नक। वापिस यहाँ सेम जगह की कभी मैं लिखा देता हूँ हिंदी में, यदि कोई सेट है वो निम्न परिबद्ध है तो उस निम्न परिबद्ध से छोटा कोई अवयव लेंगे वो भी क्या होगा निम्न परिबद्ध होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सेट में इनफाइनाइट निम्न परिबद्ध होंगे, इन सभी निम्न परिबद्धों में तो सबसे बड़ा निम्न परिबद्ध होगा वो क्या होगा निम्नक होगा। इज दैट क्लियर, उसको इन्फिमम बोलते हैं, INF लिखते हैं यहाँ पे, फिर हो गया इन्फिमम हो जाएगा इन्फिमम INF, मतलब आपका निम्नक क्या हो जाएगा निम्नक। तो इन्फिमम है वो रियल नंबर होगा बट इट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू S, ऐसी लेन है ना स्टार्टिंग से S इज बाउंडेड बिलो, तो इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तो यहां से ये आपका जो है ना रियल नंबर पक्का होगा, तो जरूरी नहीं है S का मेंबर हो या नहीं हो, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका और क्लियर हो जाएगा। अब निम्नक से बड़ा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे जो क्या है निम्नक से बड़ा है, वो क्या नहीं हो सकता, वो आपका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे आपने नेचुरल नंबर लिए हैं जो सारे किससे बड़े हैं वन से, तो इनमें इसके लोअर बाउंड क्या हो गए, वन और वन से छोटे सारे एलिमेंट हो गए। भाई नेचुरल नंबर में वन और वन से छोटे सारे एलिमेंट क्या है इसके, इसके लोअर बाउंड है और निम्नक हो गए, सॉरी लोअर बाउंड हो गए और या फिर क्या हो गए निम्न परिबद्ध हो गए। इन सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट वन है, क्योंकि वन से सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर छोटे। अब आपने वन से बड़ा कोई एलिमेंट लिया, जैसे 1.1 ले लिया, उसके लिए बात सही नहीं हो, क्योंकि समझ गए ना वन उससे क्या है छोटा है। इज दैट क्लियर ना, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेंगे जो इन्फिमम से बड़ा वो क्या नहीं हो सकता, वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता, लोअर बाउंड नहीं हो सकता, यहां हो जाएगा निम्नक से बड़ा अवयव। और मैं आपको समझा दूंगा, निम्नक से बड़ा अवयव निम्न परिबद्ध नहीं हो सकता, और एग्जांपल से और समझाऊंगा, निम्न परिबद्ध नहीं हो सकता। अब यहां पे बाउंडेड कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा, तो अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। एक जो सेट है समुच्चय है वो परिबद्ध कहलाएगा यदि वो निम्न परिबद्ध तथा ऊपरी परिबद्ध दोनों हो। यहां से क्या हो जाए एस परिबद्ध हो, एस क्या हो जाए परिबद्ध हो, परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा, एस परिबद्ध होगा ये पूरा ही लिख देता हूं, इसकी छोटी सी डेफिनेशन, इफ इसको है ना पहले तो इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं, एस इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबो एज वेल एज बाउंडेड बिलो, जो क्या हो जाए बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो क्या हो जाए दोनों हो जाए। तो एस है, एस परिबद्ध होगा यदि वो
यदि वो ऊपरी परिबद्ध परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध दोनों होगा तथा निम्न परिबद्ध दोनों होगा दोनों हो जाए दोनों तो क्या बोल देंगे उसको बाउंडेड बना। अब देखो एग्जैक्टली अब इसकी वापस मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। पहले ये लैंग्वेज में हो गई कि अब इसको मैथ्स में कैसे बोलेंगे। और फॉर यहां पे इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे आपको के और के डैश दोनों मिलने चाहिए रियल नंबर। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, दो रियल नंबर मिलने चाहिए के और के डैश। इसका मतलब होता है सच दैट जो एक्स है वो के से छोटा और के डैश से क्या बड़ा होना चाहिए। वही बात हो गई, समझ गए। तो एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे एस के सारे एलिमेंट छोटे हो और एक ऐसा एलिमेंट भी मिलना चाहिए जिससे के सारे एलिमेंट को बड़े हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे बाउंडेड बोल देंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन दिस। वैसे बाउंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप रियल एनालिसिस को बाउंडेड और ये पढ़े बिना पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू रीड और स्टडी रियल एनालिसिस विदाउट द नॉलेज ऑफ बाउंडेडनेस। जो दूसरा आपका टॉपिक है वो मैं जो यूनिट है इसके आगे वाली उससे पहले भी मैं ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, और इनफैक्ट हर बार एमएससी में भी यदि वापस आती है रियल तो